राखी सावंत अमित सयानी के शेफ की सालगिरह में शामिल हुई हैं, तो देखा जा सकता है कि वहीं शर्मिल चोपड़ा भी वहीं पे शामिल हुई हैं बर्थडे में। और देखा है राखी सावंत जो है शर्मिल चोपड़ा को देख के जा रही हैं मुँह फेर के, और लेकिन शर्मिल चोपड़ा को सब मजबूर कर रहे हैं कि लड़ाई झगड़ा ख़त्म करो और गले मिल लो। तो शर्मिल चोपड़ा देख के उनको ये कह रही हैं कि मैं क्या करूँ, मिलूँ या नहीं मिलूँ। अरे खड़ी करेंगे, उधर खड़ी करिए, इधर खड़ी करिए, क्या किया जाए, क्या किया जाए, पीछे पीछे एक दोस्ती कर लो, ये बैठ रहे, अरे मैं कहाँ जाऊँ, अरे मोबाइल वाले को दबा अंदर, ये भाई मोबाइल किसका है, राखी जी, राखी जी, अरे यार मेरे हाथ से अपने माल क्या दबवा रही है, राखी ने क्या बोलती है, माल्टा वाटरमेलन, वाटरमेलन नहीं है, क्या है, अमित सर के लिए गाना गाइए, हैप्पी बर्थडे अमित सर के लिए गाना गाइए, गाइए ना अमित के लिए, हैप्पी बर्थडे अमित सर के लिए, अरे क्यों नहीं, अभी इधर आइए ना, अभी इधर आइए ना, अमित सर के लिए, अमित सर के लिए, इधर क्या बात है, क्या बात है अमित सर, मैं साड़ी पहनती हूँ, ये साड़ी पहनती है, मैं शॉर्ट ड्रेस पहनती हूँ, ये पहनती, मैंने अबाया पहना, आज मैडम ने भी अबाया पहना, एटलीस्ट हमने इनको कपड़े पहनना तो सिखा दिया, तो हम गाना गाएंगे, आदिल भाई की कमी है, आदिल भाई को भी आपको आपको बता दूं, आपको बता दूं, क्या बोले थे, बोलिए क्या बोले थे, बोला गाना गाना गाइए, गाना बताने वाली थी, माइक तो इधर है, मैंने आपको बोलने वाली थी, बोलिए बोलिए, हैप्पी बर्थडे, अच्छा इसको निकाल, बोलिए क्या बोलने वाली थी, कुछ भी बोलने का नहीं आता यार, हैप्पी बर्थडे बोलिए, दुश्मन ना करे दोस्त ने वो काम किया है, भाई का गम हमें इनाम दिया है, बोला था कि राखी जी मुसलमान को किस एक्टर, नहीं नहीं आपने थोड़ी देर पहले बोला था राखी जी मुसलमान है, नकली मुसलमान है, अरे चलो जाने दो, आपने बोला था कि राखी जी मुसलमान है, इन्होंने थोड़ी देर पहले आपने बोला था, मुझे आज मैं कहती हूँ, आज मैं कहती हूँ, जिस दिन मैं उमरा जा रही थी, मुझे मेरे करियर की, मेरे कर्म भूमि की कसम, मुझे मेरी माँ की कसम, उस दिन मेरा इंस्टाग्राम उड़ा दिया गया, नहीं आप लोगों ने, नहीं मैं वो तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, ना मैंने दिए, आदिल तुम्हारा राशि का, लेकिन मैंने राखी जिंदगी में कब आपके मैंने कब आपके साथ गलत किया, नहीं मैं एक बात बता रही हूँ, अरे यार शर्लिन का ध्यान रखना।